पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो रूल होता है उसको देखेंगे, और फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल भी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल किस तरह से हम लोग क्रिएट या फिर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है सबसे पहले इस तरह से पीएचपी का कोडिंग स्टार्ट होता है और इस तरह से एंड होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन पीएचपी। ठीक है, तो दोस्तों वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डॉलर साइन का यूज किया जाता है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ये हो गया वेरिएबल का नाम, और उसके बाद जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल टू डिक्लेयर ए वेरिएबल यूज डॉलर साइन बिफोर वेरिएबल नेम। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पीएचपी में तो सबसे पहले हम डॉलर साइन देंगे, उसके बाद वेरिएबल का जो नाम देना चाहते हैं आप उसको देंगे। ठीक है ना, अब इस वेरिएबल का वैल्यू को हम अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आउटपुट अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इको कमांड यूज करेंगे, और उसके बाद उस वेरिएबल जो वेरिएबल का नाम दिए रहेंगे हम लोग वो देंगे। ठीक है ना, अब ये जो वेरिएबल है ये इसका वैल्यू, जैसे किसके अंदर में सचिन लिखा हुआ है तो ये डिस्प्ले होगा। चलिए ब्राउजर में इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एरर दिखा रहा है दोस्तों, एक मिनट, क्यों एरर दिखा रहा है? वेर नेम, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको बंद नहीं किया था, टर्मिनेटर साइन देके इसको बंद किया जाता है, ये साइन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, अब फिर से जाके इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखिए ये सचिन प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों वेरिएबल का जो नाम होता है उसके लिए कुछ रूल्स होता है, जैसे कि कभी भी हम लोग वेरिएबल का नाम जो होगा उसको हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 1 2 3, ठीक है, और उसके अंदर में हम कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 45, इसका वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है ना, अब इसको मैं अगर इको करवाऊंगा, इको, उसके बाद 1 2 3, अब इसको हम रन कर, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, नेवर स्टार्ट ए वेरिएबल नेम विथ नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कभी भी अगर वेरिएबल नेम अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब कि हम लोग कोई भी लेटर से नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ लिख देते हैं NUMBER नंबर, अब ये ठीक हो जाएगा, देखिए 45 आ रहा है। या फिर
हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर हम लोग अंडरस्कोर दे देंगे तब भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अंडरस्कोर देके भी हम वेरिएबल का नाम को डिक्लेयर कर सकते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तो जो बात है ये है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर टू योर वेरिएबल नेम इन PHP, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल नेम जो है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में भी हम लोगों ने देखा था इस चीज को, ठीक है। इसमें भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर सोचिए दो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल का नाम नेम लिखते हैं और एक वेरिएबल का नाम अगर हम लोग इस प्रकार से कैपिटल लेटर में, सॉरी कैपिटल लेटर में हम लोग नेम लिखते हैं, तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग नेम ले लेते हैं, कैपिटल लेटर में ले लेते हैं एक हम लोग, और एक हम लोग यहाँ नीचे में स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यहाँ पे SANJY SANJY। तो अब ये दोनों जो होगा वो अलग अलग काम करेगा। देखिए ये केस सेंसिटिव है, अगर हम इस प्रकार से लिख देंगे तो अनडिफाइंड दिखाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, तो अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इस तरह से हम लोग ने कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दिया था, ठीक है। अगर हम कैपिटल लिखेंगे सब नाम को, NAME, और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सचिन को दिखाएगा, और अगर हम लोग स्मॉल लिखेंगे तो ये संजय को, संजय वाला वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे वेरिएबल स्कोप, PHP का जो वेरिएबल स्कोप है उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल स्कोप इन PHP। अब दोस्तों वेरिएबल स्कोप मतलब क्या होता है कि वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, उसका वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे और यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका तीन तरह का होता है, पहले लोकल, एक होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो होता है दोस्तों ये क्या है, ये इस तरह का वेरिएबल होता है जिसको हम लोग फंक्शन का अंदर इनसाइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन, अगर फंक्शन का अंदर कोई भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप जो होता है दोस्तों वो लोकल स्कोप होता है, ठीक है। ये आपका इस जो लोकल वेरिएबल होगा उसका लोकल स्कोप होगा, ठीक है, LOCL लोकल SCOP स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप कैसे होगा, देखिए पहले यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, FUNCTION फंक्शन। दोस्तों फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, फिलहाल स्कोप समझाने के लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए पहले फंक्शन का नाम दिया जाता है, उसके फंक्शन का फंक्शन कीवर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ माई फंक्शन, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर में अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ और उसके अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NICT CUMPUTER कंप्यूटर CNTR सेंटर, ठीक है। अब
इसको हम यहाँ पे इको करवाएंगे, इको और उसके बाद नेम, ठीक है। तो फंक्शन को अगर आप कॉल, फंक्शन को अगर ये इको करवाएंगे और देखेंगे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि इसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। हम यहाँ जाके अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है बट हम लोग अभी तक कॉल नहीं किए। फंक्शन कॉल करने के लिए माई फंक्शन और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है। तो अभी हम लोग इसको अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ दिखा रहा है NICT कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बट अगर इसको हम अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर हम उस वेरिएबल को इको करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, और इस नेम वेरिएबल को अगर हम लोग आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो देखिए ये नहीं होगा, देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो लोकल वेरिएबल जो रहता है फंक्शन के अंदर में, जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा और उसका स्कोप भी लोकल रहेगा। बट मीन्स विद इन फंक्शन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बट आउटसाइड फंक्शन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। Declaring a variable outside function, outside function. अगर function के बाहर में कोई भी variable हम लोग declare करते हैं तो दोस्तों वो हो गया हमारा global variable, और उसका जो scope होगा वो आपका global scope होगा। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अब ये जो नेम वेरिएबल था इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल, GLOBL ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को देखिए हम लोग यहाँ पे पहले इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और माई फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर में हम लोग इस नेम वेरिएबल को इको करवा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल नेम दिखाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर में हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड फंक्शन ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट इनसाइड फंक्शन हम उसको नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अभी माई फंक्शन जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इको नेम देख, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दिखा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल जो रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल कैन यूज और एक्सेस आउटसाइड आउटसाइड ये फंक्शन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के आउटसाइड, फंक्शन के अंदर में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। बट इन केस अगर अगर आप चाहते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है और आप उसको फंक्शन के अंदर में यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर में यूज करना होगा तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप फिर से लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन यूज ग्लोबल कीवर्ड, बिफोर
वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसके आगे, ठीक है। अब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग, तो देखिए काम करें, माय फंक्शन रेपुटेशन। अब इसको हम जाएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉल हो रहा है। अगर इसको हम हटा देते हैं, देखिए ग्लोबल कीवर्ड जो है तो हटा देते हैं, ये ग्लोबल कीवर्ड अगर हम यहाँ नहीं देंगे और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अनडिफाइन दिखाएगा। बट अगर हम लोग ग्लोबल कीवर्ड देंगे तो हम लोग आउटसाइड जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ रहेगा उसको हम लोग फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्टैटिक कीवर्ड का यूज जो हम लोग करते हैं, ठीक है। STATIC स्टैटिक वेरिएबल वो क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल के लिए मैं एक नंबर लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन अन्यूएम इक्वल टू 45। अब इस फंक्शन के अंदर में इसको मैं फंक्शन के अंदर ही रखूंगा, यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल को इको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माई फंक्शन, तो ये क्या दिखाएगा, 45 दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं, ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट आप अगर पहले से C++ जावा अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि प्लस प्लस ऑपरेटर साइन हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए 46, मतलब क्या होता है ये इंक्रीमेंट कर रहा है, जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो एक 1 प्लस कर देता है। अभी एक बार इस फंक्शन को हम लोग लिखे थे, कॉल किए थे, उसके बाद दोबारा हम इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, 46 ही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, बात समझिएगा कि फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और यहाँ कॉल किए, तो ये जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होता है सारा वेरिएबल डिलीट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू है 45, एक बार हम इसको कॉल किए, ठीक है ना, तो अभी इसका जो वैल्यू था ये 45 था और इंक्रीमेंट करके ये हम लोग को 40 दिखाया। उसके बाद दोबारा फिर इस फंक्शन को हम लोग कॉल किए, तो पहले जो भी ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो भी वेरिएबल का वैल्यू था, यहाँ पे जो नम का वैल्यू जो आपका 46 हुआ था, ये क्या होगा दोस्तों, ये हट जाता है, ठीक है, ये डिलीट हो जाता है। बट अगर आप लोगों को ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, कोई प्रोग्राम आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कुछ वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इसको आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जितना बार आप उसको कॉल करेंगे और वेरिएबल डिलीट ना हो, ठीक है, डिलीट नहीं करना चाहते हैं, उसका वैल्यू आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। जब स्टैटिक कीवर्ड का यूज किए तो देखिए यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, जैसे इसमें 46 दिखा रहा था, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 46 47, और उसके बाद फिर कॉल करेंगे तो ये 48, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था दोस्तों कि इसका वैल्यू जो था 46 था, इसका वैल्यू भी आपका 46 था, क्यों, क्योंकि यहाँ नम का वैल्यू जो स्टैटिक है ये डिलीट हो जा रहा था, ये रह नहीं रहा था, जितना बार हम लोग कॉल कर रहे थे वो मेमोरी लोकेशन में इसके लिए मेमोरी बन रहा था और उसके बाद ही वो एक प्लस करके हम लोग को शो कर रहा था। बट स्टैटिक कर देने से क्या हुआ दोस्तों कि ये जो वैल्यू 46 है ये कांस्टेंट रह गया और उसके बाद फिर इसमें इंक्रीमेंट होके ये 47 यहाँ पे दिखाया और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे 48 दिखाया, ठीक है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से देखते रहिएगा एक के बाद एक PHP का जो
क्लासेस है, मैं उसका वीडियो अपलोड करते रहूंगा।